स्वागत है हमारे चैनल फ्लेवर्ड रसोई में। आज हम बनाएंगे मैंगो जैम। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैंगो की प्यूरी चाहिए, एक दो कटोरी, एक कटोरी से थोड़ा कम चीनी, एक चम्मच नींबू का रस, छोटी इलायची और दो चम्मच घी चाहिए। सबसे पहले हम आम को धोकर छील लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े बनाकर ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसके बाद कढ़ाई में एक कढ़ाई लेंगे नॉन स्टिक, और इसमें हम दो चम्मच घी डालेंगे। देसी घी डालना है। ये अब हम कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। अब इसमें हम मैंगो प्यूरी डालेंगे और इसको धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब इसके बुलबुले आने लगेंगे। इसको बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे जल भी सकता है। इसको धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट पकाएंगे। बराबर चलाते रहेंगे। ये आम हमारा पक गया है, इसमें बुलबुले आने लगे हैं। इसको हमने कम से कम 10 मिनट धीमी आंच पे और बराबर चलाते रहना है, नहीं तो लग जाएगा। अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे और चीनी मिक्स करेंगे और इसको फिर धीमी आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें तेल ना छोड़ दे। ये धीमी आंच पे इसको चलाते रहेंगे, नहीं नीचे लग जाएगा, जल जाएगी हमारी मैंगो। इसको हम धीरे धीरे बराबर चलाएंगे और मध्यम आंच या धीमी आंच पे आप पकाइए, तेज आंच पे नहीं। जैम ये हमारा तैयार हो गया। देखिए ये प्यूरी गाढ़ी हो गई है, किनारे किनारे तेल आ गया है। इसमें अब हम इलायची पाउडर डाल के मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको हम शीशे के जार में भर के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आप जैम इस्तेमाल करिए। इसको पहले पूरी तरह ठंडा होने देंगे, फिर इसको शीशे के बर्तन में भर के आप फ्रिज में रख दीजिए गाढ़ा हो के। ये हमारा मैंगो जैम तैयार है। आप इसको ब्रेड में, ब्रेड के साथ बच्चों को लगा के दीजिए, रोटी में लगा के खाइए, जैसे आपकी मर्जी हो उस तरह यूज करिए। बहुत टेस्टी और हेल्दी है, घर में आप साफ सुथरा बना सकते हैं। बाजार से बहुत अच्छे और किफायती दाम में आपका तैयार हो जाएगा। और अगर एक बार मैंगो का सीजन है, एक बार आप बना के जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आज हम वेज दाल चावल बनाएंगे।